मनी लॉन्ड्रिंग केस छापेमारी के बाद ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री को हिरासत में लिया। रोते हुए दिखे सेंथिल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। चेन्नई में सेंथिल के आवास पर देर रात तक चली तलाशी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के ओमांदारू सरकारी अस्पताल लाया गया। इस दौरान मंत्री सेंथिल को गाड़ी में रोते हुए देखा गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर ओमांदारू सरकारी अस्पताल क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया।